कांग्रेस की पूर्व चेयरपर्सन सोनिया गांधी भले ही अब राजनीति से थोड़ी दूरी बनाए देखी जाती हूँ, मगर जिस तरह से वो सियासी परिपक्वता और इशारों इशारों में तंज कसती हैं, वो बेहतर तरीके से जानती हैं कि अभी भी राजनीति में उनकी कहीं ना कहीं जरूरत बाकी है। दरअसल सोनिया गांधी ने मेज थपथपाकर जिस तरह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के काम की तारीफ की है, वो साफ साफ बयां कर रहा है कि नितिन गडकरी का काम विरोधियों को भी रास आ रहा है और इस वजह से पीएम मोदी को थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है। सोनिया गांधी ने गडकरी के काम की तारीफ करके पीएम मोदी के जले पर नमक छिड़कने की कोशिश की है, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल ज्यादा गर्माया हुआ है, तो वही गडकरी का नाम पीएम पद के लिए सामने आ रहा है। हालांकि गडकरी ने साफ मना किया है कि वो इस पद की रेस में नहीं है, मगर फिर भी उनका ही बढ़ चढ़ कर नाम सामने आ रहा है। संसद में प्रश्नकाल के दौरान गडकरी के काम की जिस तरह तारीफ विरोधियों ने की, उससे साफ संदेश आ रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो फिर नितिन गडकरी का प्रधानमंत्री पद के लिए नाम सामने आ सकता है। SBN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।